अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाजिर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत से दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता करते रहते हैं कि कार इंटीरियर के बारे में कोई फॉर्मुलेशन दी जाए, तो सोचा कि कार इंटीरियर में हम अब 3-in-1 एक फॉर्मुलेशन दे देते हैं, जो कि डैशबोर्ड पॉलिश भी है और एट अ टाइम टायर पॉलिश भी है और लिक्विड पॉलिश कार पॉलिश भी है, वैक्स नहीं है। ये लिक्विड बेस्ड 3-in-1 फार्मूला इंशाल्लाह भी हम शेयर करने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके, हमारी आवाज़ पहुँच सके। अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमने लेना है वो हमने लेना है सिलिकॉन ऑयल। ये सिलिकॉन ऑयल 90 ग्राम हमने लेना है, इसमें 90 ग्राम सिलिकॉन ऑयल। ये 90 ग्राम सिलिकॉन ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर ग्लाइसरीन थोड़ी सी डाल लेंगे शाइनिंग के लिए, और ग्लाइसरीन 100 ग्राम। इसके अंदर ग्लाइसरीन हमने डाल देंगे। तो ये 100 ग्राम ग्लाइसरीन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। स्टरर से भी किया जा सकता है, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो अपने मिक्सर के साथ इसको कर लें। और ये मिक्सेबल हैं एक दूसरे में, बड़े आराम से ये मिक्स हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे अल्फोक्स 200, जो कि एक बहुत अच्छा एमल्सीफायर है, क्योंकि आगे नेक्स्ट हमने पानी डालना है। और लाजिम बात है कि जब हम पानी और ऑयल, सिलिकॉन ऑयल इज़ एन ऑयल इज़ ए पोलर सब्सटेंस एंड वाटर इज़ ए नॉन पोलर सब्सटेंस, तो इसकी लाजिम बात है आपस में मिक्सिंग नहीं होती, फेस सेपरेशन हो जाती है। उससे बचने के लिए अल्फोक्स 200 इसके अंदर हमने डालना है। बहुत अच्छा एमल्सीफायर है कि इसने पानी और ऑयल के बीच में एक ब्रिज का काम देना है। और 40 ग्राम अब हमने ये डालना है, ये 40 ग्राम इसको भी हमने मिक्स कर लिया। और उसके बाद इसके अंदर हमने अपनी जितनी हमने थिकनेस देनी है उतना डालना पड़ेगा। इनिशियली हम इसके अंदर डालेंगे एक सिंथेटिक थिकनर, मार्केट में सिंथेटिक थिकनर के नाम से ही मिल जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक फॉर्मुलेशन इस सिंथेटिक थिकनर की आप बनाए बनाया ना लें, अभी हम वो यूज़ कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह उसकी फॉर्मुलेशन भी शेयर कर लेंगे कि सिंथेटिक थिकनर जो है वो कैसे बनता है। वो अभी हमने इसके अंदर अभी हम 10 ग्राम लगाएंगे और फिर जब हमें अगर महसूस हुआ कि अभी कम है तो फिर इसकी हम क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और ये तकरीबन 5 और ये 10 ग्राम हमने इसमें सिंथेटिक थिकनर जो है वो इसमें मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छे से आपस में होमोजेनाइज कर लेना है और मिक्सिंग अच्छी हो, जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी, क्योंकि छोटा बैच हम बना रहे हैं, बड़े बैच में मिक्सर के साथ आपको ये मिक्सिंग करनी पड़नी है। ये थिक अच्छा हो गया और अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, और अगर हमारी थिकनेस रिक्वायर्ड हम बढ़ाना चाह रहे हों तो वो अकॉर्डिंगली हम वो डाल देंगे इसमें। इसमें कारोबोल और TEA बेसिकली थिकनर में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और हम इसको करके देखते हैं पहले। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो 760 ml या 760 ग्राम पानी वो हमने मेजर करके रखा हुआ है। अब ये जो हमारा फेज़ है इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है और साथ इसकी मिक्सिंग करते जानी है, इकट्ठा पानी नहीं डालना हमने ये, और स्लोली स्लोली हम डालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये पेस्ट की शक्ल में आ रहा है, और इसको थोड़ा स्टॉप किया और इसको मिक्स किया, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा एक कर्ड की शक्ल में, योगर्ट की शक्ल में
आ रहा है, तो इसमें जितना अच्छा हम मिक्सर चलाएंगे, जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतनी हमारी ये पॉलिश उम्दा तैयार होगी। अब बिल्कुल एक, अभी इस वक्त थोड़ा सा हमने पानी लगाया तो बिल्कुल ग्लू की शक्ल में अब ये बन गया। अभी इसमें पानी हम स्लोली ऐड करके फिर इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। और यह है, इसमें कोई जितना टाइम हम मिक्सिंग में अच्छा देंगे उतना जो है वो ये हमारा अच्छा बनेगा। या हम इसकी मिक्सिंग की फेज़ और इसको थोड़ा वीडियो को स्किप कर देते हैं कि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए, और स्लोली स्लोली पानी इसके अंदर हमने ऐड करके मिक्स करके फिर जी ये बहुत अच्छी थिक फॉर्म में आ गया। हमें मिक्सर चलाना पड़ा और मिक्सर बहुत मुश्किल इसमें घूम रहा है। अब इसमें यह है कि हमने चूँकि थिकनर अच्छी क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया, तो अब ये इसमें हमें मज़ीद पानी भी हमें इसमें मिला सकते हैं। अभी जो हमने मेजर क्वांटिटी है वो भी अभी पूरी नहीं डाली, और इसको कतहन ऐसा नहीं करना कि पूरी क्वांटिटी डाल के फिर कभी भी हल नहीं करना। इसको साथ साथ हम साथ साथ पानी डालेंगे, साथ साथ इसमें मिक्सर चलाते जाएंगे। ये बिल्कुल ग्लू की शक्ल में बहुत अच्छे पेस्ट की शक्ल में है, और अभी इसमें हम मज़ीद पानी जो जितना हमने मेजर किया हुआ है इस फॉर्मुलेशन में, उससे ज़्यादा भी इसको डाल सकते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए। या हम थिकनर कम कर लें, हमने 10 ग्राम डाला उसमें 5 ग्राम डाला जा सकता है, और 5 ग्राम से भी कम डाला जा सकता है, और जितनी हमें रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए उतना हम इसके अंदर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। यह पानी इसमें जो फॉर्मुलेशन में हमने मेजर किया था वो भी रहता है, उसको भी पूरा करना है। ये बहुत उम्दा थिक हालत में, अभी इसमें हम मज़ीद भी पानी डाल सकते हैं, और चूँकि नॉर्मली जो अवेलेबल डैशबोर्ड पॉलिश होती है वो इतनी थिक होती ही नहीं है, तो अब ये कि हम क्वांटिटी पानी की और इसमें डाल देते हैं और मिक्सिंग इसकी कर लेते हैं। यह हमारा प्रोडक्ट तैयार है, और इसमें मज़ीद भी हम पानी डाल सकते हैं, और लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि अब तकरीबन ये हमारी इस कंसंट्रेशन में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। और अब तक के लिए इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता।